सामने यामाहा MT15 ब्रांड न्यू नहीं लगेगा, बाकी उसके अलावा सारी चीजें इसमें लगेंगी। सबसे पहले यहाँ पर बैकबस्टर के हैंड गार्ड हैं जो कि मेटल में है, इस तरीके से उनका टेम्पर्ड आता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक मीटर का टेम्पर्ड, आपका साइड स्टैंड जैकेट सेंटर लॉक जिसमें आपको दो चाबी मिलती है और वाइजर के काफी सारे कलर और मिल जाएंगे। तो ये हो गया मेटल का और MT15 का ही है जेन्युइन। जो छोटी चीज है ये यहाँ लगती है इस तरीके से। टैंक पैड आ गया, यहाँ लगेगा थाई पैड्स जो कि इस तरीके से लगेंगे यहाँ। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ अपने सामने यामाहा MT15 ब्रांड न्यू और इसको करने वाले हैं फुल लोड, और हो सका तो उसमें एग्जॉस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें इसमें लगेंगी। एक्सेसरीज यहाँ पर निकाल रखी है कुछ, यहाँ आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर बैक बस्टर के हैंड गार्ड हैं जो कि मेटल में है। इसकी अलग अलग कनेक्टिंग्स आती हैं कुछ इस तरीके से, क्लैम्प्स वगैरह हो गई, और ये है लगने के बाद बहुत ही जबरदस्त लुक देता है, यहाँ लगेगा इस तरीके से। इसके अलावा इसकी फिटिंग वगैरह यहाँ पर भी है। हैंड गार्ड के अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके फ़ोन का टेम्पर्ड आता है उसी तरीके से यहाँ पर एक मीटर का टेम्पर्ड हो गया, एक बैक रेस्ट हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका साइड स्टैंड जैकेट। जो आपका साइड स्टैंड है उस पर यहाँ पर ये फिट हो जाएगा, इजी टू मेटल में है। और इसके अलावा यहाँ पर HJG का है सेंटर लॉक जिसमें आपको दो चाबी मिलती है इस तरीके की, यानी कि दो की मिल जाती हैं। एक ये फ्लिप वाली है इस तरीके से, ब्लास्टर मिलता है, सायरन मिलता है, वायरिंग मिल जाती है प्रॉपर, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक वाइजर भी इसमें लगाने वाले हैं, और वाइजर के काफ़ी सारे कलर और मिल जाएंगे, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट है, तो जिन लोगों को अगर अच्छा लगे तो करवा सकते हैं, बाकी किसी और कलर का भी लगवा सकते हैं। तो ये हो गया मेटल का और MT15 का ही है जेन्युइन। एक विंगलेट है, ये जो छोटी चीज़ है ये यहाँ लगती है इस तरीके से। अब आप ऐसे देख सकते हो और फिर ऐसे देख सकते हो। ये आपका टैंक पैड आ गया, यहाँ लगेगा ठीक है, और ये आ गए आपके थाई पैड्स जो कि इस तरीके से लगेंगे यहाँ पर। MT15 के ही हैं जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो टॉप रैक लगाया जा रहा है, PPF लेमिनेशन हो गई, क्रैश गार्ड, और इस पर एक स्लाइडर भी लगेगा, और इसके अलावा एक ये है पूरा मड गार्ड है ये पूरे के पूरा, और जो अंदर लगेगा इसके मिट्टी वगैरह जो होल्ड हो जाती है ना, तो अब मिट्टी वगैरह यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं, और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ इसमें और भी हैं, तो कंप्लीट करके बीच में थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर फाइनल पर दिखाऊंगा कैसा लुक आता है। इस आपने भी एक MT15 देखी जो कि वहाँ सामने खड़ी हुई है, और एक यहाँ पर है, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू ही है, और इसमें भी काफ़ी बेसिक काफ़ी नीडफुल वर्क है। जैसा कि आप देखोगे आप PPF लेमिनेशन है, ये देख सकते हो आप लेमिनेशन का वर्क किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो फोर स्लाइडर है, और जो कि नाम से पता चल रहा होगा सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होते, डिस्पेट वगैरह टेडी होती है, कभी बाइक गिर जाती है। मेटल में है, करीब इसका जो है आधा किलो का वेट रहता है, और इसमें क्रैश गार्ड भी लगेगा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो अभी ये भी अनकम्प्लीट है, वो भी अनकम्प्लीट है, दोनों कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट कैसा आता है यामाहा MT15 का। दोस्तों यहाँ पर आगे मोटिवेशन हो जाती है कंप्लीट आपकी यामाहा MT15 की। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो नई एड ऑन कर दी, जो मैं आपको शुरू में नहीं दिखा पाया क्योंकि संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, और उस बीच में मुझे वीडियो भी शूट करना होता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ कवर करूँगा सेंटर लॉक से। तो सेंटर लॉक में हर बार बताता हूँ मैं, ताकि हर बार नए व्यूवर्स ऐड होते हैं। तो दो चाबियाँ मिलती हैं, एक ये कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, और ये फ्लिप वाले स्टाइल में आप इसे खोल सकते हो। दोनों का सेम वर्क रहता है, एक आप एक्स्ट्रा रख सकते हो संभाल कर, कभी एक खो जाए तो एक काम आती है। यूज़ इसका होता है, मान लो इसको आपने लॉक कर दिया, इसका कोई हैंडल वगैरह इस तरफ करता है तो ये एक सायरन क्रिएट करेगी, अलर्ट करेगी, प्लस इसको आप अनलॉक कर सकते हो, यानी कि इसको आप बंद भी कर सकते हो। अब कोई कुछ कर रहे हैं इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बेल वाला आइकन है ना, इसमें दिखेगा क्लियर आपको। तो ये होता है जैसे पार्किंग में आपने लगा रखी है बाइक, या पार्किंग वालों ने जगह चेंज कर दी, या आपको नहीं पता कहाँ खड़ी है। और अब आते हैं इस पावर वाले बटन पर, तो ये बटन दबाते ही स्टार्ट। तो ये हो गया सेंटर लॉक का यूज़, इसे करते हैं अनलॉक, नॉर्मली करते हैं इसको ऑन, और अब आपको दिखाते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पर एक वाइजर लगाया है वाइट एंड ब्लैक कलर का, जिसे बेसिकली MT15 का है, लेकिन इसको मैंने नाम दे रखा है बटरफ्लाई वाइजर, जो बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, एक कॉम्पैक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे देता है। इसके अलावा बात कर रहा था मैं हैंड गार्ड की बाग बस्टर की, जो कि मेटल में है, इसकी क्लैम्प्स मेटल में है, ब्लैक कलर के लगा रखे हैं। बाइक कलर आप जो चाहो वो लगा सकते हो, दोनों तरफ सेम है, और इसको लगाने के बाद लुक तो एनहेंस होता ही है। जैसे मान लो कभी बाइक गिर भी जाती है ना, तो आपके लीवर्स वगैरह डैमेज होते हैं, क्लच एंड लीवर्स, ये चीज़ें जो है इस तरीके से या इस तरीके से गिरती है, यानी कि इस साइड या इस साइड, तो ये दोनों चीज़ें आपकी सेफ है। और लुक आप देख सकते हो, बाकी आप नॉर्मल लीवर गार्ड्स भी लगा सकते हो, और हैंड गार्ड ये सिंपल है लेकिन है मजबूत।
आप चाहो तो लाइट वाले भी लगा सकते हो, जिन लोगों को लाइट वगैरह ज़्यादा लगवानी होती है तो उन लोगों के लिए। तो ये मीटर देख सकते हो इसका आप, तो मीटर पे क्या जैसे आपके फ़ोन का टेम्पर आता है ना उसी तरीके से मीटर का टेम्पर लगा दिया जो काफ़ी क्लियर है और स्क्रैचेस वगैरह जो है वो इस पे नहीं लगते हैं। और अगर आप दोबारा से आप फ्रंट में आते हो तो यहाँ पर एक रिंग लगा रखा है रेड कलर का जो कि हट चुका है, दोबारा लगवाऊंगा इसको। तो एक यहाँ पर रिंग हो गया रेड कलर का, इस ये जो रेड कलर है ये कोई और कलर भी ले सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पर एक विंगलेट लगा रखी है, जाली कवर यहाँ देख सकते हो आप लगा रखा है, और यहाँ पर इसके अलॉय व्हील से मैच होते हुए फोर्स स्लाइडर, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है फोर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्पेंशन गार्ड कह सकते हो, डिस्प्ले वगैरह डैमेज नहीं होती कभी आपकी बाइक गिरती है तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा आप देखोगे क्रैश गार्ड है, और क्रैश गार्ड तो ऐसी चीज़ जो आपको लगवा लेना चाहिए क्योंकि इसको डिज़ाइन से आप समझ सकते हो पूरा इंजन कवर अप हो चुका है, इंजन सेफ है, आपके लैग सेफ है, टैंक सेफ है। एक छोटा स्लाइडर मिल जाता है जो काफ़ी सेफ्टी दे देता है और इसी तरीके से ये लुक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। इसके अलावा टैंक पैड और थाई पैड का सेटअप, और थाई पैड वगैरह ग्रिपिंग के लिए अच्छे रहते हैं, और जो टैंक पैड वगैरह ये इसलिए रहता है जैसे आप कभी बैठे हो ना इस पर इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या जैसे बेल्ट है तो कुछ लोगों को यहाँ पर चाबी लटकाने की आदत होती है, तो जब ऐसे चला रहे होते हैं ना तो राइडिंग के दौरान यहाँ पर स्क्रैच लगते रहते हैं और ये बड़ा वाहियात लगता है, और एक टाइम के बाद बाइक इतनी पुरानी लगने लगती है। तो उसकी सेफ्टी के लिए पीपीएस लैमिनेशन तो कर ही दी है, लेकिन उसके ऊपर से इस पर टैंक पैड एंड थाई पैड्स का पूरा सेटअप लगा दिया जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप सीट देखोगे तो सीट कुशनिंग के साथ कवर अप कर दी गई है, और जो कलर लिया गया है ये कस्टमर की चॉइस के हिसाब से था, बाकी आप चाहो तो प्लेन ब्लैक ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। और ये कंफर्टेबल भी बनाई गई है क्योंकि कवर लगाना ही सिर्फ काम नहीं होता, इसको कंफर्टेबली बनाना काम होता है गाइस, तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर टॉप रैक की प्लेट देख सकते हो, यहाँ पर लगा रखा है बैकरेस्ट जिसको आप हटा भी सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, और इस पर आप टॉप बॉक्स भी लगा सकते हो अगर आप टूरिंग वगैरह करना चाहते हो तो आपको इस पर टॉप बॉक्स लगाना है और दैट्स इट। इसके अलावा इसको हटा सकते हो, ये वैसे ये पिलियन राइडर के लगा रखा है काफ़ी अच्छा है, यहाँ से दो नट बोल्ट खोल के और इसको आप हटा सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर जैसे बरसातें वगैरह होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, तो एक तो ऑप्शन होता है टायर हैगर, लेकिन टायर हैगर इसमें आता है तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फुल फ्रेम वाला जो है वो टायर हैगर लगा दिया है, और वैसे ये एफजेड का है लेकिन इस पर लगा रखा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब सवाल नहीं है कि मिट्टी वगैरह इसके अंदर आ जाए, जब आपको हटाना हो हटा भी सकते हो आप, तो ऐसा भी नहीं है कि वेल्डिंग वगैरह कर दी हो, काफ़ी ईजी है। और इसके अलावा दोस्तों जो लुक आ रहा है बाइक का वो काफ़ी ज़्यादा गदर आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके अंदर तो रेडिएटर गार्ड लगा रखा है क्योंकि रेडिएटर जो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है राइडिंग के दौरान कि पत्थर वगैरह उछल कर आया है डैमेज हो सकता है और रास्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में ये छोटा सा रेडिएटर गार्ड रेडिएटर ग्रिल इसमें डाउन कर रखी है। बाकी दोस्तों मैं एक बार भैया से मिलवाया था जिनका ये बाइक है, उन्हें काम वगैरह कैसा लगा, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है और काम वगैरह कैसा लगा। संडे में थोड़ा सा क्राउड था, थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी उनका मैं मानता हूँ, तो बता दो सर कैसा लगा, काम वगैरह कहाँ से आ गया आप? हाँ जी, मैं गुड़गांव से आया, मैंने भाई का चैनल देखा यूट्यूब में SKD बाइक चैनल से, तो कि मैं बाइक लाया अपनी यहाँ पे। कितनी पुरानी गाड़ी अपनी? अभी 1 वीक ओवर का। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा काम वगैरह कोई दिक्कत लग रही है आपको अभी? वैसे इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मुझे कहीं जाना था, तो जल्दी जल्दी शूट करके मैं जा रहा हूँ, फिर क्योंकि रह जाएगा फिर रह जाएगा, भैया बोल रहे थे स्पेशली मुझे आना ही है वीडियो में, तो मैंने चलो फिर अब बताओ काम वगैरह कैसा है? काम एकदम बढ़िया है, पसंद आया मुझे। ठीक है, मेरा ड्रीम था वो ड्रीम आज पूरा हो गया। सही ड्रीम था, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन ड्रीम के लिए और यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो मैं अभी भूल चुका हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे ना साइड स्टैंड जैकेट इसमें लगा रखी जो कि फुल्ली CNC में मेटल में है, और लुक के साथ साथ जैसे आप कच्ची पक्की ज़मीन भी रहती है तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती पार्क करने में आपको। तो यही थी यामा R15 की और यामा MT15 की काफ़ी सारी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। बाकी आप लोगों के पास कोई भी टू व्हीलर हो किसी भी सेगमेंट का हो सबकी वीडियो आपको हमारे चैनल मिल जाएगी। तो यही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।